वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, वो एक पार्क है और पार्क जैसा ही कुछ है ना। सो उधर पे जा रहे हैं। आज फिर से सन ग्लासेस लगाए तुमने सो आज भी धूप है इसलिए। सो आज हम लोग जा रहे हैं, एक पार्क है उधर पे जा रहे हैं। तो उधर पे स्टैचूज वगैरह है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं करने के लिए। सो हम लोग अभी उधर पे जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। और ये कुत्ता हमेशा आता है इधर पे, क्या पता उसको कुछ काम है लगता। सो वही, तो अभी हम लोग चलते हैं और आज फिर से लोग मुझे घूरेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं बचपन से स्मार्ट हूँ। सो वही, तो चलते हैं अभी। तो मैं इधर पे रहता हूँ। और गाइस, मैं ये बोल रहा था कि मैं आज भी बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से स्मार्ट हूँ। ये कुत्ता फिर से आ गया, लगता है इसको मेरे को व्लॉगिंग करते हुए देखना अच्छा लग रहा है। उसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए चले गया बेचारा। सो वही, चैनल सब्सक्राइब करो डॉगी। सो वही, अभी आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करो। सो वही, तो अभी चलते हैं और मचाते हैं। तो राहुल भाई, इसका क्या मतलब है गाइस? मुझे तो नहीं समझ रहा है। ये शायद ट्री है, और ट्री बस मैं कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप लोग बताओ, आप लोगों क्या समझ रहे हैं? सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट इधर पे पहुँचे हैं और बहुत धूप है। और आप लोगों को बताया मैंने एंट्रेंस और सब, टिकट भी यहाँ की बहुत ही कम है गाइस। मतलब सिटी से दूर, पोल्यूशन से दूर, इतना मस्त पार्क। अभी तो मैं बस अंदर आया हूँ, अभी हम लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद में घूमेंगे। ये बहुत बड़ा पार्क है, तो वही देखते हैं अभी आगे क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे मतलब सुना कि बहुत सारे इधर पे स्टैचू है और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे ये था वैसे और भी बहुत है। सो वही आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ की स्पेशल जो मतलब यहाँ पे फेस्टिवल्स होते उसके भी स्टैचूज बने, तो मैं वो आप लोगों को बताऊँगा जो मैं बचपन में देखता था और मेरे को डर लगता था, वो आप लोगों को बताऊँगा आगे। सो वही, तो अभी हम लोग चलते हैं और मचाते हैं। तो पहले तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो गाइस, उधर पे ये पुलिस ऑफिसर बैठे है और या तो सोल्जर है, तो मेरे को लगा कि सही में कोई इंसान बैठा है। इधर पे क्या है, बापू जी ने कुछ लिखे, What we are doing to the forest of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. Mahatma Gandhi. Babu ji was very smart. Meri gaye jila bahut mast hai. Mazaa aa rahi hai, thoda seda hai. Ye mast hai. Tab main so bhi sakta hu. Main bachpan se smart hu. Main apne smartness kya hi batau, main khud ki tareef nahi karta hu. इनमें क्या करूँ, बचपन से स्मार्ट हूँ तो मैं। जब मैं पैदा हुआ था ना, डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि लड़का हुआ है लड़की हुआ, डॉक्टर ने बोला स्मार्ट बच्चा हुआ है, बचपन से स्मार्ट। तो वही सही, भी हम लोग झूले पे बैठने जाएंगे, तो वही मुझे झूले बहुत पसंद है। तो इधर पे बहुत सारे झूले हैं, तो हम लोग पहले नहीं इसमें नहीं जाएंगे, ये थोड़े छोटे बच्चे लोगों के लिए, हम लोग बड़े बच्चों के झूले में जाएंगे। इधर ये हमारी उम्र वालों के बच्चों के लिए झूले हैं। तो वही अरे बहुत अच्छा है। अरे आदमन क्या कर रहे हैं? ये हमारी उम्र के बच्चे की झूला है। मेरा ये लगता थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए मेरा वजन नहीं संभाल पा रहा है। वैसे मैं ज़्यादा वजन तो हूँ नहीं, शायद 70 या 80। ये ख़राब हो गया है, मैं इसमें बैठूँगा। रहने दो, ये लगता मेरे से भी छोटे बच्चे लोगों के लिए। तो गाइस, मैं भी इसमें बैठूंगा, ये बहुत मजेदार झूला है सॉरी बैठते ना टूट तो नहीं जाएगा ना। ये आते में बंद हो गया गाइस, मैं बहुत स्पीड में जाने वाला हूँ, सीधा तोड़ के बाहर चले जाऊंगा। तो भाई
अभी वापिस उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नहीं जा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी इसके आगे थक गया क्या? वाओ, लास्ट में तो हमको मिल ही गया है धुन धुन के। डर ही गया क्या? जानकारी लेके आए हैं। वॉटरफॉल का तो नहीं पता, मेरे को लग रहा है सांप जरूर दिख जाएगा हम लोगों को। लेकिन दादू भाई सांप को पकड़ लेंगे ना दादू भाई? अच्छा, मैं सांप पकड़ने वाला लगता हूँ क्या तेरे को? झरना मिल गया, एक झरना नहीं है। वाओ, मस्त लग रहा है। वाओ, अरे मेरी हार्ट बीट है ना एकदम धड़ाधड़ फास्ट हो गई थी उधर, देखो। देखो नीचे भी एक खड़ा है, इधर इधर कहीं तो नहीं बना हुआ है ना, कुछ जाऊंगा भी इधर से मैं तो। गाइस ये तो झरना नहीं हो सकता है, ये शायद यही है, धोखा हुआ है हमारे साथ। चलो देखते शायद आगे हो। गाइस मेरे को ऐसा एक्सप्लोर करना जंगल में बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। ना हम लोग पहले ऐसे करते थे ना, लेकिन पहले मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था। यस, चलो अदनान इसमें भी चढ़ जाते हैं। तो वाटरफॉल वही था गाइस, और कोई नहीं था। चढ़ते आओ अदनान भाई साथ में। हाँ चलो तुम जाओ, पकड़ पकड़ के आओ। आ जाओ तुम भी। हाँ क्या बहुत मस्त हवा चल रही है, बहुत मजा आ रही है। मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है, मैंने कुछ ज्यादा खा लिया। ठीक है, कितना खतरनाक चल रहा है। सो वही, सो गाइस अभी और भी बहुत सारी चीज़ बाकी हैं। आप लोगों को मैंने बोला था यहाँ का जो कल्चर और फेस्टिवल्स होते हैं उसके भी यहाँ पे स्टैचूज बने हुए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बचपन में वो जब यहाँ पे होता था, जब मैं अपने नानी के घर पे रहता था, तो मैं उन लोगों से बहुत डरता था, फिर भी देखने जाता था। और एक कोई कोई तो घर पर आ जाते थे, बड़े बड़े से एकदम लंबे लंबे से रहते, दो दो इंसान जितने लंबे रहते, और गोद में उठा के पूरे छत तक का उठा लेते थे। लोग क्या बोलते थे दान भाई? रक्कसा। इसका मतलब है राक्षस। सो वही, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, तो चलो चलते। और ये गार्डन पार्क का नाम है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, मेरे को याद आया, घर को बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इसका नाम मेरे को याद आया, सालू मरादा तिम्मक्का पार्क। ये कोई तो ग्रैंडमा थी, उनके नाम पे है ना, उनको तो ग्रैंडमा थे उनके नाम पे है। ट्रीज बहुत पसंद है। अच्छा, उनको ये सब बहुत पसंद था, इसीलिए। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो गाइस ये लोग आदिवासी लोग हैं, तो मैं लोगों के पोज रिक्रिएट करता हूँ कि अंकल क्या करना चाह रहे। तो भाई डांस ही लोग तो लोगों को डांस ही ऐसा डांस करते हैं ये लोग। तो ये भी यहाँ का एक कल्चर में से है। सो वही, और अभी हम लोग उसको ढूंढते जिसकी मैं बात कर रहा था, रक्कसा। और एक को क्या बोलते, येलो कलर का टाइगर जो पीलिया वेशा। तो वही चलते हैं अभी। क्या है ये? मकड़ा मैन नहीं, ये मकड़ा है। सो वही, तू मेरे को काटेगा तो मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। बोलता क्यों नहीं? मैं तो नहीं मरेगा लेकिन। हाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें इतना बड़ा नहीं रहता है। सो वही,
ये ब्रिज कहाँ जाता है? ब्रिज तो छोड़ पहले उसको देखो सामने। ओह मिल गया हम लोगों को, मिल गया गाइस जो मैं बता रहा था वो मिल गया हम लोगों को। अरे बताता हूँ आप लोगों को मैं, वो है ये नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। तो बताता हूँ अभी आप लोग को, ये लोग अदनान वो डांस आता ना तेरे को, देखा था ना? हाँ मैंने बचपन में देखा था। हाँ। अब मेरे को नहीं पता कैसा करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे ही लोग डांस करते थे ढोल बजा बजा के। तो इधर पे 40 आठ भी है जो अभी पोकी बॉल से निकला है। चल पोकी बॉल वापस आ, सॉरी मेरे पास पोकी बॉल नहीं, माफ करना मुझे। तो गाइस अभी हम लोग थोड़े रील्स बनाए और व्लॉगिंग किए, बहुत सारी जगह आप लोगों को बताया। सो वही बहुत मज़ा आई गाइस। और पावर बैंक, आईफोन प्रॉब्लम्स, बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो वही अभी हम लोग बहुत मचाए बहुत ज़्यादा। सो वही अभी हम लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए मैं वापस जाके बैठूँगा। मैं बहुत मज़ा आई। तो भाई गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटा भी ज़रूर दबा देना, और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे शेयर करना, मैं रीशेयर करूँगा आपकी स्टोरीज, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो बाय, लव यू ऑल। तो गाइस अभी हम लोग बैठेंगे, दानल भाई बैठेंगे, मैं ही बैठूंगा, अभी हम लोग मचाएंगे। चलो बैठ जाओ दानल भाई। गाइस हम लोग बचपन से स्मार्ट है। कटल कार्य वगैरह अभी इतना ही, आधे में रुक जाता है ये बदतमीज साला, उधर तक जाता नहीं, उधर तक जाना पड़ेगा। तो गाइस ये बहुत अच्छा गार्डन था गाइस, लिटरली खाली 20 रुपए टिकट ना, यस 20 रुपीस टिकट, और हम लोग सुबह से और अभी तक थे, खाना वाना सब लेके आए थे, बहुत मज़ा आई, बहुत मज़े किए हम लोग ने। व्लॉग में क्या पता उतना मज़ा दिखा भी क्या नहीं दिखा, लेकिन जितना व्लॉग में दिखा ना उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोग ने, इतना मज़ा किया कि हम लोग थक गए है ना, बहुत मज़ा आई। गाइस आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम टायर्ड हो गया, अभी घर पे जाके मैं सोऊंगा, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे, तो काला काला हो गया। सो वही गाइस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर, और अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करो, मैं रिप्लाई करूँगा आप लोगों को। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट इधर पे आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पे जाके फॉलो करो और अपने स्टोरीज पे ये वीडियो लगाओ, तो मैं रीशेयर करूँगा, रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।